नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके लिए लेकर आता है अंधविश्वास, पाखंड, परंपरागत रीति रिवाज और रूढ़ियों को उखाड़ फेंकने का मूल मंत्र। ये मूल मंत्र क्या है? ये मूल मंत्र है, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दें, आप देखेंगे कि अंधविश्वास और पाखंड स्वतः ही दूर भागते जाएंगे। बस इसमें करना क्या है कि आपको अपने दिमाग में वो दिया जलाना है कि आप स्वयं विवेकशील हैं, सामने वाले ने जो बताया है, जो कहा है, उसके विषय में जानकारी करनी चाहिए। अगर सामने वाला आपको बता रहा है कि निश्चित आप दिए को छुएंगे या आग को छुएंगे, जल जाएंगे, तो निश्चित तौर पर हल्का सा प्रैक्टिकल करने में आपका नुकसान क्या है। तो साथियों, उसी प्रैक्टिकल को हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने अनुभव किया, महसूस किया और आपके लिए उन्होंने ऐसे ऐसे फार्मूले बनाए जिनके आधार पर आप स्वयं को परख सकते हैं, कहीं आप अंधविश्वासी और पाखंडी तो नहीं। इसी सिलसिले में लगातार जागो पंच लेके आ रहा है अंधविश्वास पाखंड की पोल खोल, और इसी पोल खोल के अंतर्गत आज बारी आती है आसाम के गुवाहाटी में बने हुए कामाख्या मंदिर की। कामाख्या मंदिर के बारे में आप सभी विधिवत जानते होंगे और उसकी कहानी के बारे में भी आप सभी परिचित होंगे, क्योंकि वो कहानी बिल्कुल इससे अलग नहीं है जो मैं बताने वाला हूं। लेकिन यहां पर मैं क्या ऐसा बताऊंगा कि जो आपको ये सिद्ध करेगा कि यह अंधविश्वास और पाखंड ही है। बस थोड़ा सा आपको अपना ज्ञान का इस्तेमाल करना है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कामाख्या। कामाख्या शब्द का अर्थ, कामाख्या शब्द का अर्थ कामना पहले आएगा, काम और उसके बाद आख्या। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, काम आख्या। काम का मीन्स आप या तो लगा सकते हैं काम करने वाले से, लेकिन यहां पर उस काम से इस काम का कोई मतलब नहीं है। तो यहां कामाख्या, कामा माने काम, मेरे कामदेव से जुड़ा हुआ काम शब्द है। कामदेव किस लिए प्रसिद्ध थे ये आप सभी को मालूम है। ये सभी ग्रंथों में लिखा है कि कामदेव मनुष्य के उन इंद्रियों को भड़काने का काम किया करते थे जिससे वह पागल हो जाया करता था और रेप जैसे घृणित कार्य कर देता था, वो थे कामदेव। उसी काम से मतलब यहां पर कामाख्या से भी है, और यहां पर हम काम जो बोल रहे हैं वो काम है इंद्रिय सुख की इच्छा। इंद्रिय क्या है आप सभी जानते हैं, इंद्रिय सुख की इच्छा ही यह काम कहलाती है, यानी यहां पर आपकी कामना कहलाती है। वह मतलब यहां पे लगाते हैं इसका कामना। तो कामना क्या, कामना करेंगे हम आख्या से। आख्या मीन्स, आख्या का मतलब होता है रिपोर्ट या विवरण। इसमें आप सभी ने सुना होगा या कभी आप खेतों के काम में या तहसील में कोई काम पड़ता है तो एसडीएम या तहसीलदार किसी जांच के लिए आदेशित जब करते हैं तो उसमें से लिखते हैं कि कानून को आख्या दें। फिर कानून को क्या करता है, वो कहता है कि लेखपाल आख्या दें। फिर लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगाकर वह उसी तरह से भेजता है उपरोक्त अधिकारियों को। तो यहां पर काम आख्या मतलब रिपोर्ट, काम वासना की रिपोर्ट मंदिर है वो। यानी इस आप इसके शब्दों पे अगर जाएंगे तो इसका मतलब बहुत भयंकर हो रहा है, और इस मतलब से शायद आपकी आंखें खुलनी चाहिए। लेकिन हम इस मतलब को भी कुछ नहीं बोलेंगे, आप
स्वतः अंधविश्वास और पाखंड में है तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन क्या आप इन शब्दों के अर्थों को नकार सकते हैं? आपको अगर कहा जाए कि जूता मारा गया, अब वहां पर आप ये बताएं कि वो जूता नहीं था, चरण पादुका थी, तो क्या वो पैरों से अलग हो जाएगी? उसी तरह यहां कामाख्या मंदिर जो है उसी तरह इसका उसी से रिलेशन है। तो सबसे पहले आते हैं कामाख्या मंदिर की, कामाख्या की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति यहां पे वैसे ही हुई जैसे आप सभी ने सुना था पिछली कहानियों में, सती के पिताजी जो दक्ष थे उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। वह शिव से, शंकर से बहुत चिढ़ते थे, द्वेष रखते थे, तो उन्होंने उन्हें नहीं बुलाया। जब उन्होंने नहीं बुलाया तो सती आती हैं अपने पिताजी के उसी यज्ञ में और क्रोधवश उनके पिता अपमान करते हैं और वो क्रोधवश उसी में जल जाती है। और जब शिव को पता लगता है तो वो गुस्से में वहां पे आते हैं और वह तांडव करने लगते हैं और सती की लाश अपने कंधे पर रखकर पूरा घूमने लगते हैं। अब आप इस कहानी को बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां तक पीछे जो कहानी थी वो दूसरे जगह ले जाके जोड़ती थी, लेकिन अब यही कहानी अब दूसरी जगह ले जाके जा रही है। वही कहानी वही है लेकिन यह अब कामाख्या मंदिर से जोड़ देगी। पहले यही कहानी जोड़ रही थी दूसरी कहानी को। तो आप यहां पर देखिए, जब वो लेकर अपने कंधे पे घूम रहे थे तो पूरा विश्व ब्रह्मांड परेशान होके भागा भागा सभी लोग पहुंचे विष्णु के पास। जब विष्णु जी को इस बात का पता लगा कि वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्होंने अपने चक्र से सती के 51 टुकड़े कर दिए और वो 51 टुकड़े देश भर के अलग अलग हिस्सों में गिरे। उनमें से एक टुकड़ा गुवाहाटी के कामाख्या जहां मंदिर है वहां गिरा, जहां जिसे योनि कहते हैं। एक एक हिस्सा अलग अलग गिरा, ये 51 पीठ शक्ति पीठ बन गए। अब आइए इन्हीं शक्ति पीठों के बारे में चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन यहां विशेष हमारी चर्चा है कामाख्या मंदिर पे, जहां पर आपको पहले तो आपको साजिशन लिंग पुजवा दिया गया था, लेकिन यहां पर आपको योनि भी पुजवा दी जा रही है। यहां पर आपको समझना होगा ये क्यों पुजवाई जा रही है। जब विष्णु ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े करने के बाद वह कामाख्या में योनि जीवित कैसे है, यानी वहां पे जो माहवारी या मासिक धर्म जो महिलाओं को होता है वो वहां की उस टुकड़े भर योनि को जो जीवित नहीं है वहां से रक्त रजस्वला प्रवाहित होती है, वो महीने में 4 दिन ये प्रवाहित होती है। तो क्या ऐसे हम कैसे इसे मान सकते हैं कि कैसे वो ये प्रक्रिया वहां पर हो रही है? इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, निश्चित है ये इसके पीछे, इस मंदिर के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है और इस रहस्य की खोज के लिए जागो पंच बहुत जल्द कामाख्या की यात्रा भी करेगा और आपको कामाख्या की सच रिपोर्ट देगा, क्योंकि यह जरूरी है कि वहां पर किस प्रकार हमें ऐसे जो शब्द हमें सामाजिक रूप से इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, हम बोलने में शर्माते हैं, हम संकोच करते हैं, लेकिन उन्हीं जो जिन शब्दों से हम शर्मा जाते हैं उन्हीं की हमसे पूजा करा दी जाती है। और यहां पर सबसे बड़ी बात तो यह भी देखने वाली है कि आप जिस समय वो रजस्वला समय रहता है उस समय वहां के जो लोग हैं वो खेती किसानी का काम बंद कर देते हैं, बुआई का काम बंद कर देते हैं, गुड़ाई खेती का काम बंद कर देते हैं, और तो और जो वहां पर पुरोहित हैं, पंडे पुजारी हैं, वह पका हुआ भोजन उस समय नहीं करते हैं। तो वास्तव में इसके पीछे कहानी कुछ और है, लेकिन हमें यहां पर समझाया कुछ और है। यहां पर जो कामाख्या शब्द का अर्थ है वह स्पष्ट हो जाता है। उसी अर्थ से यहां पर हमारे समाज के लोगों के साथ अवश्य ही कुछ बहुत गलत हुआ है जो इस कहानी का सूत्रधार वहां से हुआ है।
तो इस कहानी को समझने के लिए जरूरी है कामाख्या की यात्रा, और जल्द ही मैं आपको इस विषय में वास्तविक रिपोर्ट दूंगा कि वहां पर यह अंधविश्वास पाखंड क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये इस तरह कहीं भी पूरे विश्व में ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं नहीं होती हैं और ना ही ऐसी पूजा कहीं होती है। तो जब हम वहां के रहस्यों का उद्घाटन करेंगे तब तो वह पूर्ण रूप से प्रमाणित भी होगा और रहस्यमय भी होगा। लेकिन सबसे पहले आज हमें यहां समझने की जरूरत है कि वह पाखंड और अंधविश्वास से कैसे लवरेज है। वह ऐसे है कि आप समझ सकते हैं किसी व्यक्ति के शरीर का एक हिस्सा काट देने के बाद यह उपयोगी नहीं रह जाता है। तो यहां पर ये कौन लोग थे, विष्णु कौन था, शिव कौन था, और वो जो काट के गलती किसकी, गलती दक्ष की, पूजा पूरा भारत कर रहा है। दक्ष कौन था, यहां समझने की बात है। यह किसी ईश्वर से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, यह किसी समाज के किसी व्यक्ति विशेष या भारत के किसी रहने वाले से जुड़ा है, या फिर यह समाज को गुमराह किया जा रहा है कि प्राइवेट बार्टों की आखिर पूजा क्यों कराई जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी साजिश है ब्राह्मण की। ब्राह्मणवाद का मारक तंत्र, ब्राह्मणवाद का मारक तंत्र लिंग योनिका पूजा मंत्र, ये जो ब्राह्मणवाद का मारक तंत्र है ना, यह लिंग और योनि की पूजा कराने का मंत्र बन चुका है। इससे हमारे समाज को मुक्त होना होगा, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां देवी देवताओं का जो कुछ भी कट के गिरता है, जो कुछ भी कटकर टूट जाता है, या कोई काट देता है, या शराब से वो उसका गिरा देते हैं, उसकी पूजा आराधना शुरू हो जाती है। तो आपको अपने दिमाग से ये सोचना है कि ये कैसे, कौन लोग हैं जो आपके साथ साजिश कर रहे हैं। तो आपका दायित्व तो बनता है अपनी आंखें खोलने का, अपने ज्ञान चक्षु खोलने का। जब तक आप अपने ज्ञान चक्षु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप यूं ही योनि और लिंग की पूजा करते रहेंगे। अभी हाल ही में मेरा वीडियो एक आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग शब्द को, शिवलिंग यानी पेनिस शब्द को पूरे भारत में रोक के लिए भारत सरकार को 1995 में पत्र लिखा था, और उसी पत्र का अनुपालन केंद्र सरकार 2019 में आके करती है और गुपचुप तरीके से सभी स्टेट राज्यों और केंद्र सरकारों को वह प्रेषित करती है। तो आपके समाज में ये जो लोग रह रहे हैं, जो सत्ता पर काबिज हैं, ये आपको अंधविश्वास और पाखंड से उबरने नहीं देंगे। इसके लिए आपको स्वयं जागरूक होना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि आप पूजा किसकी कर रहे हैं। कहीं आप पूजा वास्तव में गुमराह करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। आपने जो पूजा की है, उस पूजा के बदले आपको क्या मिला? आपने जो पूजा की, क्या वो जिसकी पूजा की वो साक्षात आपसे मिला? जब तक आप अपने दिमाग में ऐसे सवालों को लाएंगे नहीं, आपको इन ईश्वर और आराध्यों के जाल में आपको उलझा के आपके जीवन का महत्व खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि जिसे आप पूजते हैं वह संकट के समय कभी नहीं आता। हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ जब मंदिर में रेप होता है तो वह खामोश होता है, और जब किसी बड़ी दुर्घटना जैसे हमारे देश के फौजी पुलवामा में मारे जाते हैं, ऐसे समय में हमारा ईश्वर काम नहीं आता। कोरोना में देश का हर नागरिक
ईश्वर की शरण में पहुंच गया था, लेकिन क्या कोरोना ने जाने लेने छोड़ दी? तो आपका दायित्व बनता है आप भगवानों को परखिए, जांचिए, क्योंकि जो आपने बचपन से शिक्षा पाई है, आओ करके सीखें, उसका इस्तेमाल करिए और अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होइए। और ये जो आप लिंग और योनि की पूजा कर रहे हैं, इसके रहस्यों को समझिए। जब तक आप इसके रहस्यों को नहीं समझेंगे, आप अमानवीय जीवन जीने की ओर जाते रहेंगे। तो अगर आपको हमारा ये अंधविश्वास और पाखंड का पोल खोल वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी लाइक करें, और जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब करें, और मैं चाहूंगा कि बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारा अगला वीडियो आपको तुरंत उपलब्ध हो सके। तो सभी साथियों से विदा चाहेंगे। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बेरिया जी।